आज हम मसूर का दाल और अरहर का दाल मिला के बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये पौष्टिक भी बहुत होता है। दाल बनाने के लिए हम आधा कप अरहर का दाल लेंगे और आधा कप मसूर का दाल लेंगे। दोनों को मिलाकर अच्छे से दो पानी से धो लेंगे। एक कुकर लेंगे, कुकर में धोया हुआ दाल हम डाल देंगे। फिर इसमें हम दो कटोरी पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक देंगे। फिर हम ढक्कन लगा के कुकर हम गैस पे चढ़ा देंगे। थोड़ा देर के बाद जब सीटी आएगा तो गैस को हम कम कर देंगे 5 से 10 मिनट दाल सीझने के लिए। फिर 5 से 10 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। जब थोड़ी देर के बाद कुकर ठंडा हो जाएगा, ये खुल जाएगा, तो देखिए हमारा दाल कितना अच्छा से सीझ गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम गैस पे एक डब्बू चढ़ाएंगे, इसमें तेल गरम करेंगे और इस गरम तेल में दो सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए हमारा फ़ौरन कितना अच्छा से पक रहा है। अब इस फ़ौरन को हम दाल में डालेंगे और ढक्कन थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है दाल, राहर और मसूर का दाल कितना अच्छा लग रहा है।